जी यूट्यूब फैमिली, हम लेकर आए हैं डॉलेस का फूड प्रोसेसर। मुझे चाहिए था मेन चॉपर भी चाहिए था मुझे, और साथ में जूसर भी चाहिए था। अच्छा, ये सेपरेट सेपरेट भी बड़ी अच्छा डॉलेस का भी मिल रहा था आपको, और इनेक्स कंपनी जो थी उसमें भी मिल रहा था। लेकिन यह कि हमें जो अच्छा पड़ा है ना, वो डॉलेस वालों का, जब हमने ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिया है ना, तो ये हमारे लिए बड़ा बेस्ट रहा। उन्होंने एक दफ़ा हमें ये वारंटी कार्ड है, 2 सालों की उन्होंने ना वारंटी दी है, और इसमें प्रेस भी है उनकी। ये डॉलेस वालों की ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, जिसमें ये ओवन है, प्रेस है, और जूसर है, और ब्लेंडर है, ये सारी चीज़ें भी उनकी हैं। तो ये हमें जो है ना, ये हमें इकट्ठा बड़ा अच्छा मिला है, बजाय इसके कि हम सेपरेट सेपरेट लेते। तो मैं आपके साथ, आप मेरे साथ एक दफ़ा इसको जो है ना, जो जो चीज़ें हैं इसकी, आप मेरे साथ वो चेक करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसकी कीमत भी बताती हूँ। ये जनाब है इसका बड़ा प्यारा न्यू जो है ना डिज़ाइन में, बड़ी खूबसूरत है। और ये जी इसका फुल साइज़ का आपको मिल जाता है चॉपर। मुझे ये चॉपर जो है ना, ये अशद ज़रूरत होता है। इसके अंदर आप कीमा भी कर सकते हैं और सैलड का भी। कुछ हमें कटर मिले हैं, एक्सेसरीज है। ये है जी इसका फुल साइज़ का जग। ये देखें, ये सबसे पहले डॉली को बंद कर दें, डॉली दिखा दें आप। ये है जी जूसर का जग, ये है डॉली। ये जी ये इसकी पैकिंग है कटर की, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये इसके ऊपर ये कटर फिक्स हो गया। और ये जो जूसर है जी, ये जी इसके नीचे ये प्लास्टिक की बड़ी अच्छी 4 उन्होंने ग्रिप दी हुई है। जब आप मार्बल पे रखते हैं, ये शीशे पे रखते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी फिक्स हो जाती है। ये चेक करें आप भी, ये देखें टेबल का पूरा शीशा जो है ना, वो ऊपर आ गया है। और इस ये फोकस कर, ये लॉक का भी उन्होंने ना बड़ा अच्छा आपको बताया हुआ है। ये आपने ये लॉक कर दिया जग को, और यहीं से ये दोबारा लॉक ओपन होगा। ये एरो का निशान दे के उन्होंने लॉक का भी बताया हुआ है। ये मेरे घर की पहली जूसर थी जी, जिसको मैंने चेंज किया है। और बुरी ये भी नहीं थी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी अच्छी थी। इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा लाइफ गुजारा है। जब नूर पैदा हुई है तो हमने ख़रीदी है। और मैं सफाई कर रही हूँ घर की, घर के कामों को समेट रही हूं। ये सब चीज़ें जनाब फैलाई भी इनकी हैं, और समेटना भी मैडम ने खुद है। गुड, वेरी गुड, ये अच्छी चली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका इसका बता रही थी, ये भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी। और अब ये कुछ किचन मेरे में स्टैंड है सामान का। किसके लिए पानी लेके आया बच्चू? आपके लिए। थैंक यू। आज जी छुट्टी का दिन है और ये लोग घर है। ये स्टैंड जो है इसको अपनी जगह पे खड़ा करते हैं। ये इस कोने में ओवन के साथ ये स्टैंड है, साथ में ये छुरी का स्टैंड भी है। तो यहाँ अब मैंने अपनी जूसर, ये जगह मेरी जूसर की थी, तो अब वो चली गई है और ये आपने शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको ये जो इसकी नोजल दिखाई है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो प्लास्टिक की उन्होंने ग्रिप दी हुई है ना 4, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ जी इस बोर्ड में इसको लगाएंगे, और यहाँ जनाब इसको रखेंगे, और साथ में मेरे किचन का कुछ सामान, और साथ में जी ये भी मैंने लिया, ये भी मैं लेकर आई हूँ। और इसके ऊपर इसकी कीमत लिखी हुई होगी कहीं, ये मुझे 2,000-2,500 तक ना मिली है। ये रही इसकी कीमत जी, 2,000-2,500 आपको कह रही हूँ, 2,985, मतलब ये मुझे मिली है जी 3,000 की सेपरेट। ये मुझे स्पेशल चाहिए थी मलिक शहवार के और रबाब नूर के फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, ये मैं लेकर आई हूँ। जो स्टैंड था ये पहले प्लास्टिक का था इसका हैंडल, और अभी जो है ये मैं स्टील में लेकर आई हूँ। और ये मिला है 250 का। क्या कहते हैं आप लोग, किचन का सामान लेने से औरत जो है वो एक दफ़ा फिर ज़िंदा नहीं हो जाती? लेकिन ये भी कुछ औरतों की आदत है, वरना कपड़े जूते को ज़्यादा तरजीह दी जाए और किचन को कम दी जाए, ये भी गलत बात है। तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये प्लास्टिक इसके ऊपर इसको बंद करने के लिए थी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे किचन में नई चीज़ आ गई है।